हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पेपर वन में और पेपर टू में पैसेज आता है उसको हमें कैसे डील करना है, राइट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट के पैसेज को डिस्कस किया था कि भाई वो जो 5 क्वेश्चंस थे उनको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते थे। अब इस वीडियो में हम जो दूसरा पैसेज हमारा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे, उनके 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्लस हम ये देखेंगे कि भाई पेपर वन में और पेपर टू में अगर पैसेज आता है तो उसको किस तरह से हमें डील करना है, हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें, हमें क्या ट्रिक्स याद रखनी है पैसेज को सॉल्व करते टाइम, राइट। सो गाइज, अपने वीडियो स्टार्ट करता है। सो पैसेज था हमारा लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था, जो कंपनी थी, वो कहाँ से आई, कब, कौन से ईयर में आई थी, उसका पहले नाम क्या था, फिर नाम चेंज होके क्या हुआ। सो बेसिकली ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है, राइट। ये एक्चुअली मैंने पहले पढ़ा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट जब भी आपको पैसेज मिलेगा तो आपको करना क्या है कि पैसेज को रीड करने से पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि भाई हमें इसका आंसर पैसेज में फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट हुआ वो किसने शुरू किया था, हमें ये बताना है, राइट। सो हम स्टार्टिंग की लाइन पढ़ना अब शुरू करता है। लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स मॉडर्न फॉर्म केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन द ईयर 1880। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड बाय यूरोपियंस इन कैलकटा वॉज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखो गाइज, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें इन 3 लाइन्स में मिल रहा है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि भाई इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। सो देखो, जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था कैलकटा में, राइट। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यूरोपियंस। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा था, आई थिंक 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड होंगे, बट 3 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई इजीली स्टार्टिंग की 3 लाइंस में हमें हमारा आंसर मिल रहा है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था कैलकटा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम अपने पैसेज में देखेंगे कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखो, इनिशियली इंश्योरेंस कंपनीज यूज टू डिस्क्रिमिनेट इंडियन एंड यूरोपियन क्लाइंट्स, कि भाई इनिशियली इंश्योरेंस कंपनी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी इंडियन क्लाइंट्स में और यूरोपियन क्लाइंट्स में। मे बी कि लाइक जो यूरोपियन क्लाइंट्स होंगे उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती होगी, उनको ज़्यादा रिम्बोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज, देर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन एंड यूरोपियन क्लाइंट्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी इनिशियली। थर्ड पॉइंट इज, इंडियन क्लाइंट्स वुड चार्ज लोअर प्रीमियम बाय द इंश्योरेंस कंपनीज इन द बिगिनिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज हायर प्रीमियम टू यूरोपियंस एट ए लेटर स्टेज। नाउ अब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं, जब हम ये पैसेज पढ़ेंगे तो गाइज देखो यहाँ पे, सो बेसिकली अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं, बट इंडियन लीव्स वर बीइंग ट्रीटेड एज सब स्टैंडर्ड लीव्स एंड हैवी एक्स्ट्रा प्रीमियम वर बीइंग चार्ज्ड अपॉन देम, राइट। सो ये यहाँ के स्टार्टिंग की बात हो रही है कि भाई जब स्टार्टिंग में इंश्योरेंस बिजनेस आया सो इंडियन क्लाइंट्स पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता था। सो इजिली हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन लोअर प्रीमियम बोल रहा है, ठीक है। और अगर इंडियन क्लाइंट्स पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता था सो इट मीन्स कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। हम हमारे सेकेंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। ये जो प्रीमियम, हायर प्रीमियम चार्ज किया जाता था वो स्टार्टिंग में किया जाता था, अर्लियर स्टेज पे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई लेटर स्टेज पे चार्ज किया जाता था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट आंसर हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, इनिशियली इंश्योरेंस कंपनीज यूज टू डिस्क्रिमिनेट इंडियन एंड यूरोपियन क्लाइंट्स, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स को ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता था, उन पर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता था, राइट। सो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे इस पैसेज में ही है और जब हम रीड आउट करेंगे तो ईजिली हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज लेटर रीनेम्ड एज बॉम्बे लाइफ। मैं ये कहूँगी कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी सा था। जब आप लोग ये वाली लाइन पढ़ोगे, ये 3 to 4 लाइन्स, तो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। देखो, द इंडियन मर्केंटाइल जनरल इंश्योरेंस एंड
स्वदेशी लाइफ, लेटर बॉम्बे लाइफ. देखो मतलब कि भाई बॉम्बे लाइफ उसका बाद में नाम लिखा गया, नाम पुट ऑन किया गया, पहले उसका क्या नाम था? स्वदेशी लाइफ. तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई पहले उसका नाम स्वदेशी लाइफ था, बाद में उसको बॉम्बे लाइफ किया गया. और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई रीनेम किया गया बॉम्बे लाइफ को, तो उसका पहले नाम क्या था? सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वदेशी लाइफ. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा पैसेज से रिलेटेड. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था या मॉडरेट था, बल्कि मैं कहूँगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन था और ईजी था हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैराग्राफ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ पैराग्राफ जब आप रीड आउट करोगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कब शुरू हुआ, कौन सा एक्ट आया, कब एक्ट आया, पहले नाम क्या था, पहले कौन लेकर आया इस बिजनेस को, कौन सी सिटी में फर्स्ट टाइम आया, कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश की गई, ये सब. सो इट मीन्स कि भाई ये पैराग्राफ हमारे बात कर रहा है जेनेसिस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ जेनेसिस. सो जेनेसिस का बेसिक मीनिंग होता है लाइक बिगिनिंग ऑफ समथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ ऑफ समथिंग. सो यहाँ पे पूरा इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी का बर्थ कैसे हुआ, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई इंडिया में. राइट, सो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रू अलॉन्ग विद इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. कि भाई इंश्योरेंस बिजनेस के साथ साथ कौन सा एक, जो इन चारों में से कौन सा फंड है जो इसके साथ साथ ग्रो हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई है. सो गाइस जब हम इसको पढ़ेंगे इस पैसेज को, तो हमें मिलेगा कि भाई जो इंडिया में जब इंश्योरेंस एक्ट आया उसी टाइम पे प्रोविडेंट फंड का एक्ट पास हुआ. राइट, सो ये लाइन पढ़ो, इन द ईयर 1912 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट वर पास्ड. मतलब कि भाई एक साथ में 1912 में बेसिकली ये दोनों एक्ट पास किए गए थे, प्रोविडेंट फंड का भी और हमारा ये लाइफ इंश्योरेंस वाला भी. सो इट मीन्स कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ प्रोविडेंट फंड की भी ग्रोथ हुई है, नॉर्मल सी बात है. सो राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, ये कॉमन सेंस से रिलेटेड था कि भाई जब दो एक्ट सेम ईयर में पास हो रहे हैं, एक साथ पास हो रहे हैं, सो इट मीन्स कि उनकी ग्रोथ एक साथ होगी. राइट, सो गाइज ये थे 5 क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो के. आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आप लोगों को इजी ट्रिक भी मिल गई होगी कि पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, फिर उस क्वेश्चन को हमें सर्च करना है हमारे पैसेज में कि भाई ये जो लाइन है ये इसका बेसिक मीनिंग है, कौन सा नाम कब चेंज हुआ था, किसकी ग्रोथ किसके साथ हो रही है. सो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम क्वेश्चन देख के पैसेज पे मूव ऑन करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. सो यू पीपल मस्ट नॉट स्पेंड एनी एक्स्ट्रा टाइम ऑन रीडिंग पैसेज फर्स्ट. सो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, तो आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ भी आ जाएंगे और एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे. राइट, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम कॉमर्स का कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं. पहले हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस किया, जो पैसेज हमारे एग्जाम में आया था, बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं. इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस 1 by 1 डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में. राइट, सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू.